हाय यूट्यूब, मैं सुजीत कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। तो आज हमारे साथ ऑनलाइन जो है दो लोग जुड़े हैं, किरण अग्रवाल जी और एक सुहास जी। ये जूम ऐप के थ्रू ये लाइव क्लासेस ले रहे हैं, तो जो भी स्क्रीन पर मैं करूँगा, जो भी मैं बोलूँगा लाइव उनको सुनाई देगा, उनकी जो डाउट है मुझे सुनाई देगा। तो तक बने रहे, इसमें हम यूजर फॉर्म करने वाले हैं और ये बहुत ही मजेदार चीज है, तो प्लीज पूरी वीडियो को देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूजर फॉर्म। जी हाँ, यूजर फॉर्म आपके साथ डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि किस तरीके से यूजर फॉर्म का यूज होता है। जब हमने VVA स्टार्ट की थी तो मैं बताया था कि VVA के तीन प्रोडक्ट है, मतलब तीन पार्ट है। पहला था माइक्रो प्रोग्रामिंग, जो कि मैंने बात की। दूसरा था आपका फंक्शन, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और तीसरा था इंटरफेस, मतलब कि यूजर फॉर्म, जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं एक सिंपल सा डेटा शीट बनाता हूँ पहले, जिसमें हमारा ये ID है, डेट, टाइम, और इसमें फिर नेम आ जाएगा, सिटी आ जाएगी, एरिया आ जाएगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट। छोटा सा मैं फॉर्म बना रहा हूँ, तो चलिए मैं फॉर्म को डिजाइन करता हूँ। यूजर फॉर्म को इंसर्ट, यूजर फॉर्म, और मैंने इसको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ अपने हिसाब से। तो सबसे पहले ID जो है हमारा, ये ऑटोमेटिक आना चाहिए। तो लेवल लेते हैं, और यहाँ पे हम ID दिया हमने, और ID में मैंने यहाँ पे लिस्ट बॉक्स ले लिया, और ये ऑटोमेटिक डिजाइन होगा या तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। उसी तरीके से हमारा डेट एंड टाइम, नीचे करता हूं, यहां पे टाइम, और यहां पे नीचे हम लिख देते हैं कि डेट और टाइम है। यूजर फॉर्म का डिजाइन आप अपने हिसाब से बना सकते हैं कि कैसा होना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसी तरह से जैसे आप पेंटिंग करते हैं ना, उसी तरीके से ही है। और इसमें अगर बहुत ही इंटरेक्टिव और अच्छा दिखने वाला यूजर फॉर्म बनाते हैं तो उतना आपको टाइम भी देना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा। फिर नेम, तो मैं यहाँ नेम के लिए बनाता हूँ, फिर यहाँ सिटी के लिए, और यहाँ पे अमाउंट के, इन तीनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ फॉर्मेट में अलाइन कर देता हूँ लेफ्ट में, और उसके बाद मेक ए सेम साइज है बोथ हाइट एंड नहीं हाइट को बोथ कर देता हूँ। उसके बाद इसके आगे मुझे इसका ये तो देना पड़ेगा हेडिंग इसका। तो लेबल, हेडिंग के लिए हम लेबल इस्तेमाल करते हैं, मैंने पहले ही बताया था इस चीज़ को आपको। तो मैं यहाँ पे लेबल स्टार्ट कर रहा हूँ नेम, उसके बाद मैं यहाँ पे सिटी, सिटी और अमाउंट। बटन्स में हमें चाहिए, एक बटन चाहिए सबमिट का, सबमिट, और दूसरा बटन चाहिए क्लियर का, जो इसको क्लियर करेगा। और नीचे तो बड़ा हो गया, तो मैं इसको छोटा कर देता हूं।
इसको भी सेलेक्ट करके फॉर्मेट में मेक ए सेम साइज हाइट एंड ब्रेथ कर देता हूँ। ओके अब जैसे यूजर यहाँ पे यूजर फॉर्म वन आ रहा है तो इसके जगह पे मैं देता हूँ डेटा एंट्री, और साथ में मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी हेडिंग हो तो मैंने लेवल को लिया और यहाँ भी हम दे देते हैं डिटेल्स एंट्री फॉर्म। सर मैं थोड़ा म्यूट कर देती हूँ, पीछे से आवाज आ रहा है। इसमें थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए तो मैं लेवल को सिलेक्ट किया और यहाँ आपके सामने फॉन्ट आएगा। साइज जो है फॉन्ट से ही ले पाएंगे आप, तो यहाँ आ गया। तो बोल्ड होना चाहिए, बोल्ड कर दिया। अंडरलाइन होना चाहिए और इसकी साइज हमने 16 कर दी। तो इस तरह से दिखेगा। तो अब मेरा फॉर्म का डिजाइनिंग पार्ट कंप्लीट हो गया। तो डिजाइनिंग बड़ी बात नहीं है, वो तो आप लोग भी बना सकते हैं। अब बात आती है इसके अंदर कोडिंग की। जैसे हमने फॉर्म स्टार्ट किया, आईडी ऑटोमेटिक आना चाहिए, डेट एंड टाइम ऑटोमेटिक आना चाहिए। तो कैसे आएगा, तो फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे दीजिए इनिशियलाइज। तो आपको इवेंट सेलेक्ट करना होता है कि मेरा कोड फॉर्म की किस एक्टिविटी पे कब बढ़ेगा, मेरा फॉर्म किस एक्टिविटी पे कितना कब बढ़ेगा, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। बात समझे? तो हमने इनिशियलाइज किया, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे आईडी क्रिएट करना है जो कि डेटा शीट्स में। तो यहाँ पे हम देते हैं कि आईडी इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैक्स, मैक्स होगा मैक्स। और इसमें हमने बोला कि रेंज ए से ए होना चाहिए, लेकिन किसका रेंज, तो यहाँ पे सीट्स के नेम आपको बताने पड़ेंगे। सीट का नेम बताना पड़ेगा। तो शीट्स का हमने यहाँ पे शीट्स में हमने बोला डेटा डॉट रेंज, और फिर हमने इसमें प्लस वन कर दिया, ये आईडी जनरेट हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मी मतलब कि एक्टिव फॉर्म डॉट टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट वैल्यू इक्वल टू। अब टेक्स्ट बॉक्स वन है क्या है कैसे पता चलेगा, इस पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे देखिए टेक्स्ट बॉक्स वन है। आप चाहो तो इसका नाम भी चेंज कर सकते हो। अगर आपने इसका नाम आईडी कर दिया तो क्या होगा कि अब आपको कोड में यहाँ टेक्स्ट बॉक्स वन के जगह पे आईडी लिखना पड़ेगा। तो नाम कुछ भी दे सकते हैं। फिर आता है मी डॉट, यहाँ पे मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट वैल्यू इक्वल टू डेट, फिर मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स थ्री डॉट वैल्यू, इसमें टाइम था तो हमें यहाँ पे देना होगा फॉर्मेट। फॉर्मेट में मुझे देना होगा नाउ कॉमा एच एच स्लैश एम एम स्लैश एस एस। इससे क्या होगा कि जैसे ही मेरा फॉर्म अपीयर होगा ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, लेकिन ये कोई चेंज भी कर सकता है। सो हम चाहते हैं कि कोई भी पर्सन इसको चेंज ना कर सके, तो मुझे इसकी एडिटिंग को डिसेबल करना होगा। कैसे, फॉर्म को सेलेक्ट करें और नीचे यहाँ आप देखेंगे तो फॉर्म की प्रॉपर्टी में अनेबल आएगा, अनेबल ट्रू है उसको फॉल्स कर दीजिए। और ये आपको जिसको इसको करना है सबको सेलेक्ट करके फॉल्स करना पड़ेगा।
अब ऐसा करने से क्या हुआ कि जब मेरा फॉर्म अपीयर हुआ तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ गया और ये डिसेबल भी है। अब मैं इसमें जो भी फिल करूँ सबमिट करते ही ये इसके ऊपर डल जाए सारी इंफॉर्मेशन। तो किस पे क्लिक करने से? सबमिट पे क्लिक करने से। तो सबमिट बटन पे क्लिक किया और हमने यहां पे दिया रेंज a65000.and@rsa.offset1,0.value=id.value। और किसका? तो ये हमारा id dot value, इस पे मी भी लगा सकते हैं कि मी डॉट आई डी डॉट वैल्यू। अब यहां पे हम करेंगे शीट्स डेटा, यह हमने दे दिया। अब इसको कॉपी करते हैं, यहां पे जीरो पे वन हो जाएगा। वो सेम प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे जो आपको याद होगा मैंने बताया था किसमें, सीट फॉर्म में। ठीक है किरण जी? किरण जी बस सर, सीट फॉर्म याद है आपको? सॉरी सर, सीट फॉर्म एक सीट से दूसरे सीट पे डेटा जो हमने भेजा था। हाँ हाँ हाँ। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। 3 4 ये हो गया आईडी, डेट, टाइम, नेम, 5 सिटी। सर यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 2 3 4 5 इस सीक्वेंस में आ रहा है तो इसमें लुक नहीं लग सकता? नहीं, आपको 1 by 1 ही लिखना होगा। अच्छा, टेक्स्ट बॉक्स पे लुक नहीं लगता? नहीं, नेम है ना। तो ये आपका आ गया 6 तक, मतलब कि आप देख लीजिए डेटा में 6 हेडिंग है आपके, 6 हेडिंग है और 6 तक हमने, नहीं 7 है, हाँ तो एक जीरो से स्टार्ट हुआ ना, नहीं 7 भी है। ये हो गया आपका आईडी, ये आपका हो गया डेट, टाइम, नेम, सिटी, अमाउंट, सही तो है? अच्छा, इसमें एरिया भी है, एरिया डाल दीजिए, एरिया हमने डिजाइन नहीं किया। ओके, तो जब मैं इसको रन करूंगा एक बार देख लेते हैं। मैं यहाँ पे दे दिया पूजा, सिटी दे दिया मैंने नेम, सिटी में दे दिया पुणे, और अमाउंट हमने डाल दिया, और हम यहाँ पे सबमिट करते हैं। तो आ गया सबमिट करने से, अभी सबमिट डायरेक्ट हो गया, इसमें वैलिडेशन लगाते हैं। सबमिट करने से पहले मुझसे पूछे कि डू वांट टू सबमिट दिस डेटा, और मुझे शो करे कि मैं क्या सबमिट करना चाहता हूँ। बात समझे? तो यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें देना होगा डिम एम एज ए स्ट्रिंग, और यहाँ एम इक्वल टू डालेंगे यू वन टू सेव बिलो डेटा, और इसके साथ हमने लिख दिया वी वी न्यू लाइन, और दो लाइन चाहते हैं, एक और लाइन हम यहां पे दे देते हैं वी वी न्यू लाइन, और फिर n इक्वल टू हम करेंगे m के साथ हमने n परसेंट दिया, और हमने लिखा यहाँ पे नेम पहला है, ये id है, id n परसेंट हमने बोला vv tag, फिर n परसेंट हमने बोला date, id नहीं,
हेडिंग दे रहा हूँ ना मैं, डेव एंड वीवी न्यू लाइन, नहीं वीवी नहीं, वीवी टैग होगा ना, वीवी टैग, डेट को एक मिनट, इसमें इंवर्टेड को मैं डालना है ना, एंड परसेंट वीवी टैग, और इसमें हमने दे दिया टाइम देना जरूरी नहीं है, बट मैं बता रहा हूं कि कैसे देंगे और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। टैब मैं यहां पे इसको एंड कर देता हूं और मैसेज बॉक्स में एम एस जी बॉक्स के अंदर में अगर हम एम करते हैं तो आप देखेंगे, मैं सबमिट करता हूं, देखा ना, आईडी, डेट, टाइम, नेम, सिटी, अमाउंट। अब ये देखना कि डेट और टाइम के बीच में काफी ज्यादा स्पेस है, अच्छा वीवी टैग दो बार लग गया है, अब सही है। फिर एम इक्वल टू एम के साथ एन परसेंट होगा वीवी न्यू लाइन, और फिर हम इस लाइन इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब जहां हमने मैनुअल दिया हुआ है ना उसी के जगह पे उसका हमें दे देंगे आईडी डॉट वैल्यू, डेट में हम क्या करेंगे मी डॉट टेक्स बॉक्स टू डॉट वैल्यू, ठीक है। टाइम के लिए हमारा हो जाएगा टेक्स बॉक्स थ्री डॉट वैल्यू, इसके लिए हो जाएगा टेक्स्ट बॉक्स फोर डॉट वैल्यू, और सिटी हो जाएगा हमारा टेक्स्ट बॉक्स फाइव डॉट वैल्यू, और अमाउंट हो जाएगा टेक्स्ट बॉक्स सिक्स डॉट वैल्यू। एक बार मैं इसको दिखाता हूँ कैसे होगा, पूजा सिटी में दिल्ली, और अमाउंट में हमने ये डाल दिया, जब सबमिट करेंगे तो ये मैसेज शो करेगा, ठीक है सर। अब इसके बाद फिर भी अभी भी इसमें है, हमें करना है m इक्वल टू m के साथ हमने किया वीवी न्यू लाइन और मैसेज दिया हमने इफ यू वांट, इफ यू वांट क्लिक ऑन, यस ठीक है, और एन परसेंट लगाना होगा इसमें एन परसेंट, और फिर मैसेज बॉक्स के लिए हमें यहां पे के इक्वल टू एम एस जी बॉक्स, इसमें हमने दे दिया एम कॉमा बटन्स, बटन्स में हमने दे दिया वीवी यस एंड नो कॉमा टाइटल में कन्फर्म, अब यहां नीचे एंड हटा देता हूं मैं, यहाँ पे कंसिडर करना है कि इफ के इक्वल टू वी वी नो देन एग्जिट सब, ओके। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ पे दो आ गया, डेट आ गया, अब यहाँ पे मैं देता हूँ ओन वैली और हमने अमाउंट दिया, जैसे सबमिट पे क्लिक करूंगा, अब इस देखिए इसमें क्या है, यस पे क्लिक किया तो डेटा एंट्री हो जाएगा,
नो पे क्लिक किया तो कुछ नहीं होगा, जैसे यस पे किया आपका पूरा डेटा क्लियर होगा। अब ऐसा होने के बाद दो चीज़ें करनी, जैसे डेटा सेव हो गया तो ये सारे चीज़ को क्लीन करना है, और ये जो आपको दिख रहा है ना टाइम और डेट और आईडी को दोबारा से अपीयर करना है, क्योंकि अब तो आईडी तीन हो जाएगा ना, ठीक है। अब क्लियर मुझे यहाँ क्लियर से भी करना है, पहले तो मैं यहाँ पे आईडी को रिफ्रेश करता हूँ और क्लियर करता हूँ। तो उसके लिए क्या है कि हमें दो तीन जगह पे करना है, तो हम यहाँ फंक्शंस बनाते हैं, फंक्शन सबसे पहले तो अपडेट एपीटी बैकेट ओपन करो, और ये जो ऊपर में हमने ये जो हमने कर रखा है इसको कट करके हम यहाँ पे डालते, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, कोई कोई ऐसा ले लीजिए कि P इक्वल टू यू पी टी ब्रैकेट ओपन, और यहाँ यहाँ भी P इक्वल टू यू पी टी ब्रैकेट। इससे क्या हुआ कि मुझे इस दो कोड को हमें यहां भी लिखना पड़ता और यहां भी लिखना पड़ता, हमने फंक्शन बना के दोनों जगह पे कॉल कर दिया, तो एक जगह पे लिखने का जो टाइमिंग है और जो डेटा है वो तो बच गया। क्या सर ऐसे क्लियर करने का है तो यहां हम फंक्शंस बनाते हैं, फंक्शंस सी एल ब्रैकेट ओपन क्लोज, और मुझे जो है सबको क्लियर करना है। तो क्लियर हमें टेक्स्ट बॉक्स से टाइम जो नेम सिटी अमाउंट करना है, तो मी डॉट ये आपका आईडी टेक्स्ट बॉक्स फोर, टेक्स्ट बॉक्स फोर डॉट क्लियर, इसमें क्लियर नहीं होता इसमें वैल्यू को हम ब्लैंक कर देते हैं, फिर मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स फाइव डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक, मी डॉट टेक्स बॉक्स सिक्स डॉट वैल्यू इक्वल टू। अब यहां पे भी हमने मान लीजिए पी इक्वल टू सी एल ब्रैकेट ओपन क्लोज, और एक जगह और अप्लाई करना है क्लियर पे, तो यहां भी हम कर देते हैं पी इक्वल टू सी एल ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो फंक्शन का इस्तेमाल क्यों किया समझ में आया सुहाग जी, सुहाग जी हेलो समझ में आया, हेलो फंक्शन क्यों यूज किया हमने? हाँ सर, यस सर, यस, क्योंकि हम कोड दो तीन जगह पे लिखना हो तो इसके लिए हम एक फंक्शन में डाल देते हैं और उसको कॉल कर लेते हैं, तो आपको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मेरा फॉर्म पूरी तरह से रेडी है, अपीयर हुआ यहाँ पे हमने दे दिया मान लीजिए जीतू, सिटी में दे दिया पुणे, अमाउंट दे दिया है, सबमिट पे किया, मुझसे पूछा, हमने यस किया, यस करते ही डेटा एंट्री हो गया और क्लियर भी हो गया, और यहाँ पे देखिए फोर भी आ गया। मैसेज चाहते हैं तो आप लास्ट में मैसेज बॉक्स लगा दीजिए, यहाँ पे लास्ट में एम एस जी बॉक्स डेटा, लेकिन इसमें ओके बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। क्या तो इसके लिए क्या उपाय है? तो इसके लिए तो जैसे कि इन्होंने भेजा था, आपने जो भेजा था किरण जी उसको भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम यहां यूजर फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं। Have या have been, अब English language थोड़ी सी वीक है मेरी, यूजर फॉर्म में सर। अब जैसे
इनिशियलाइज होगा यूनिफॉर्म टू हमारा, यहाँ पे यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म टू में यहाँ पे हम कर देते हैं इनिशियलाइज। इनिशियलाइज में हम बोलते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट वेट नाउ प्लस टाइम वैल्यू, और इसमें हमने 0002 सेकेंड्स का वेट दिया। उसके बाद अनलोड यूजर फॉर्म टू, ओके यूजर फॉर्म वन है ना, नहीं, यहाँ पे हमने नेम दे दिया सेव्ड का, हाँ सेव्ड का नाम दे दिया हमने, वो सेव अनलोड सेव। अब देखिए क्या होगा, यूजर फॉर्म को हम रन करेंगे, डेटा आ गया, हम यहाँ पे देते हैं टी टू, हमने यहाँ पे सिटी दे दिया, सबमिट पे क्लिक किया, यस ओ समझ गया, एक छोटी सी गलती हो गई, हमने उसको कॉल तो किया ही नहीं, हमें करना था सेव डॉट शो, अब हो जाएगा टी टू टाटा पर हमने अमाउंट डाल दिया, यस। तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है और टाइम वैल्यू के स्पेलिंग मिस्टेक है, विथ ब्लॉक वेरिएबल नॉट सेट। सर वहाँ पे जो यूजर फॉर्म का नेम जो है वो तो यूजर फॉर्म टू ही दिखा रहा है। हाँ। अच्छा। ऊपर में हेडिंग है ना? हमने यूजर फॉर्म का नाम चेंज कर दिया, जबकि कैप्शन चेंज करना चाहिए। इसमें मैं नीचे एक और यहाँ पे कर देता हूँ यूजर फॉर्म वन डॉट शो, फॉर्म इज ऑलरेडी डिस्प्ले कांट शो नॉर्मली। अच्छा ये अब हो गया, अब फाइनल हो गया।
क्लिक करेंगे हम, यस करेंगे तो कुछ सेकेंड्स के लिए शो होगा और अपना बट जाएगा, हट गया ना। तो हमने क्या किया, एक एक फॉर्म डिजाइन किया जिसमें हमने लिखा और उसमें हमने बोला कि जब ये एक्टिवेट हो तो 2 सेकेंड के लिए एप्लीकेशन को होल्ड कर दे और फिर ये यूजर फॉर्म क्लोज होगा, ठीक है। हाँ सर, सर हेलो हेलो, सर ये तो समझ में आ गया, मैं आपको वो व्हाट्सएप की थी इन्फो बॉक्स वाला, मुझे एक बार समझा दीजिएगा ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं समझा दूंगा, तब तक की प्रैक्टिस कीजिए। अभी आपने बताया मैंने आपको कि आप यूजर फॉर्म से डेटा एक्सेल सीट पे कैसे ला सकते हैं। अगली क्लास, कल की क्लास में हम बताएंगे आपको कि सीट से डेटा यूजर फॉर्म पे कैसे जाएगा, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस, थैंक यू सर।